नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस शख्स की बात करेंगे जिसको किडनैपिंग किंग कहा जाता था, जो एक समय दाऊद के लिए काम किया करता था, लेकिन बाद में बन गया वो दाऊद का दुश्मन, जो आज जेल में बंद है। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है बबलू श्रीवास्तव की। बबलू श्रीवास्तव का जन्म गाजीपुर में हुआ। बबलू का असली नाम था ओम प्रकाश श्रीवास्तव। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से था। उसके पिता टीचर रहे। उसके पिता चाहते थे कि उनका बेटा लॉ की पढ़ाई कर अपने परिवार का नाम रोशन करे। उसका एक भाई भी है जो आर्मी में है। बबलू भी आर्मी में जाना चाहता था। उसने लॉ की पढ़ाई के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहाँ उसके कई दोस्त बने। कहते हैं बबलू के एक दोस्त ने यूनिवर्सिटी से इलेक्शन लड़ा। इसी दौरान दो गुटों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। लड़ाई झगड़े में एक लड़के को चाकू लगा, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। उस लड़के के गैंगस्टर अरुण शुक्ला उर्फ अन्ना महाराज के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। उस हत्या में बबलू का नाम आया और उसको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन डायरेक्टली हत्या में बबलू शामिल नहीं था, तो जल्द ही वो रिहा हो गया। बबलू को नहीं पता था कि उसका एक नया दुश्मन बन बैठा है। अन्ना महाराज बबलू को कहां भूलने वाला था। कहते हैं अन्ना ने बबलू को स्कूटर चोरी के एक झूठे केस में जेल में करवा दिया। इस मामले में वो 2 हफ्ते जेल में रहा, मगर जेल से आने के बाद बबलू ने अपने मन में अब कुछ और ही ठान लिया था। बबलू के अंदर अन्ना के प्रति गुस्सा था। उसने उसकी गैंग के साथ भिड़ना शुरू कर दिया। वो अब अन्ना की गैंग के हर एक सदस्य को अपना दुश्मन मानने लगा था। बबलू ने अन्ना के कई आदमियों को मौत के घाट उतार दिया। उत्तर प्रदेश में उसका नाम बोलने लगा था। वो अपनी गैंग को और बड़ा करना चाहता था। चंद्रस्वामी और बबलू श्रीवास्तव के भी एक समय अच्छे ताल्लुकात रहे। चंद्रस्वामी की मदद से बबलू ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया। चंद्रस्वामी ने बबलू की गर्लफ्रेंड को सरकार से कहकर पुलिस प्रोटेक्शन भी दिलवाई थी, लेकिन फिर बाद में बबलू और चंद्रस्वामी की आपस में किन्हीं कारणों की वजह से अनबन हो गई, जिसके बाद वो चंद्रस्वामी से अलग हो गया। इसके बाद बबलू नेपाल का रुख करता है। वहां उसकी मुलाकात पॉलिटिशियन दिलशाद मिर्जा बेग से हुई। आपको बता दे, दिलशाद मिर्जा बेग के दाऊद से अच्छी बनती थी। दिलशाद की मदद से बबलू दाऊद से दुबई में मिला और उसने दाऊद के लिए काम करना शुरू कर दिया। उसने अपहरण, जबरन वसूली जैसे कामों को अंजाम देना शुरू कर दिया। अब बबलू का नेटवर्क भारत के कई स्टेट्स में फैल चुका था। बड़े बड़े व्यापारी और पॉलिटिशियंस उसकी नजरों में आने से बचते थे। दाऊद के टच में आने के बाद बबलू ने न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि वो पूरे भारत में दाऊद के लिए काम करने लगा था। बबलू किडनैपिंग कर धड़ल्ले से पैसे कमा रहा था। उसने पढ़े लिखे लड़कों और लड़कियों को अपनी गैंग में शामिल किया। उनकी गैंग में शामिल ये लोग उन पर नजरें रखना शुरू कर देते हैं जो बेहद ही कम समय में अमीर बने। यूं कह लीजिए जिनकी कमाई 2 नंबर की थी। इनको टारगेट करना बहुत ही आसान था, क्योंकि ये लोग पुलिस में कंप्लेंट करने से कतराते थे। उनको डर था कि कहीं पुलिस उनसे ये ना पूछ ले कि उनके पास इतना पैसा कहां से आया। वहीं बबलू 1 करोड़ से कम रकम नहीं मांगता था। बबलू की गैंग में लड़की थी जो सिंगर बनना चाहती थी। उसका नाम था अर्चना शर्मा। वो दुबई में डी कंपनी के लिए काम करती थी, तो डी कंपनी की मदद से वो बबलू के टच में आती है। वो दुबई से भारत आकर बबलू के लिए काम करती है। बबलू की अब तक शादी नहीं हुई। कहा जाता है उसकी कई गर्लफ्रेंड्स थी। बबलू अपने किडनैपिंग के धंधों को एक कंपनी की तरह चलाता था। उसने बतौर अपने इस काम में चार्टर्ड अकाउंटेंट भी रख रखा था। 1993 मुंबई ब्लास्ट में जब दाऊद का नाम आया, तो छोटा राजन के साथ साथ बबलू श्रीवास्तव ने भी दाऊद से किनारा कर लिया। वो दाऊद से अलग होकर अपना काम करने लगा। कहते हैं छोटे किडनैपर्स जब भी किसी को किडनैप किया करते थे, तो वो विक्टिम को आगे बबलू को बेचा करते थे, जिसके बाद बबलू की टीम द्वारा विक्टिम की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे वो क्या काम करता है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड चेक करने के बाद बबलू फर्स्ट पार्टी से विक्टिम को अपने हाथों में लेता था और इसके बदले में बबलू फर्स्ट पार्टी को कमीशन देता था। साल 1995 में सिंगापुर से बबलू श्रीवास्तव को पकड़ लिया गया। उस पर लगभग 60 केस दर्ज थे। बबलू को दिल्ली लाया गया। बबलू धीरे धीरे एक के बाद एक मामलों से बरी होता जा रहा था। कोई भी उसके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं था।
मगर कस्टम ड्यूटी के डिप्टी कलेक्टर की हत्या के मामले में बबलू श्रीवास्तव को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कहते हैं इस शख्स को बबलू ने डी कंपनी के कहने पर मारा था। जब उसको जेल में भेजा गया तो उसने जेल में से ही अपना नेटवर्क बना लिया था। जेल में वो अलग अलग सिम के साथ साथ अलग अलग फोन भी रखता था। दिसंबर 1999 में उसने दिल्ली में एक स्टील कंपनी के मालिक के 21 साल के बेटे को किडनैप कर लिया। एक प्लानिंग के तहत बबलू के एक आदमी ने स्टील कंपनी के मालिक के गाड़ियों को जहां किराए पर दिया जाता था वहां उसने बतौर ड्राइवर का काम किया। उस कंपनी के मालिक के बेटे की हर एक इंफॉर्मेशन नोट करनी शुरू कर दी, जैसे कि वो कब कहां किस लिए निकलता है, और एक दिन मौका देख उसके लड़के को किडनैप कर लिया जाता है। कहा जाता है दिल्ली पुलिस ने इसमें बबलू गैंग के 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। दाऊद से अलग होने के बाद बबलू पर दाऊद के लोगों ने उस पर उत्तर प्रदेश में जानलेवा हमला भी किया। किस्मत अच्छी थी कि बबलू बच गया। जब भी बबलू को पेशी के लिए लेकर जाया जाता था तो उसको बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर ले जाया जाता था। 2014 में बबलू ने अपने आदमियों से सूरत के एक बिजनेसमैन पर भी हमला करवाया था। आज भी उस केस को लेकर बबलू से पूछताछ की जाती है। बबलू ने 2 किताब भी लिखी है। एक किताब में उसने इंडियन एजेंसीज की मदद को लेकर भी लिखा है। इंडियन एजेंसीज ने बबलू की मदद से दाऊद की ड्रग्स की चेन को तोड़ा जो कि दूसरे देशों तक बनी हुई थी। बबलू की मदद से एजेंसी ने जो डी कंपनी द्वारा पाकिस्तान से इंडिया में फेक करेंसी को उतारा जा रहा था उस पर भी कड़ा एक्शन लिया। दाऊद की गैंग के कई लोगों को पकड़वाने में भी बबलू ने मदद की। वहीं आज बबलू का कहना है कि उसने भारत की एजेंसियों के लिए बहुत मदद की, लेकिन एजेंसियों द्वारा मदद का वादा कर उसकी किसी भी तरह से हेल्प नहीं की गई। इसमें कितनी सच्चाई है कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आज भी जेल में ऐश और आराम से बबलू रह रहा है। आज भी उसकी गैंग के लोग जेल से बाहर एक्टिव हैं। वहीं दूसरी बात ये भी कही जाती है कि बबलू श्रीवास्तव जेल से बाहर इसलिए नहीं आता कि उसको डर है कहीं दाऊद के आदमी उसको मार ना दे, इसलिए वो अपने आप को बाहर से ज्यादा जेल में सेफ समझता है। बबलू की उम्र कैद की सजा पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो बरेली सेंट्रल जेल में बंद है। वो बाहर आकर अपनी जिंदगी से जुड़ी फिल्म भी बनाना चाहता है। तो दोस्तों, ये थी ओम प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू श्रीवास्तव की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।